अगर रिलेशनशिप में तुम्हें धोखा मिला है तो तुम्हारे पास दो सवालों के जवाब होने चाहिए। एक पहला सवाल ये कि भाई तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ है, और दूसरा सवाल ये कि अब आगे तुम्हारे लिए यहाँ से क्या करना सही है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए। देखो, ये ब्रेकअप वर्ड है ना, ये तुम्हें थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि इसके कारण आगे तुम्हारी लाइफ एकदम खलास भी हो सकती है, पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, या इस ब्रेकअप के कारण तुम्हारी लाइफ बहुत ऊंचाइयों तक जा सकती है। हाँ, दोनों तरह के एग्जाम्पल आपको दुनिया में मिल जाएंगे कि कुछ लोगों की लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय होगी एंड ब्रेकअप के बाद कुछ लोग बहुत ऊंचाई तक गए हैं। ठीक है, तो देखो, ये दो सवालों के जवाब तुम्हारे लिए ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा कि तुम ढूंढ पाओ कि तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ एंड आगे तुम्हारे लिए क्या करना बहुत ज़्यादा सही है। जो लोग ये जवाब नहीं ढूंढ पाते ना कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि लाइफ टाइम उनके साथ ये चीज़ें होती रहेंगी। एंड जो लोग ये नहीं समझ पाते कि आगे उनके लिए क्या करना सही है, वो भी लाइफ टाइम ऐसी चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्यों। ओके, तुम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, पर यहाँ पर तुमसे एक गलती होगी कि तुमने उस इंसान को खुश करने के लिए या उनके पीछे ना अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। ठीक है, तुम कहोगे ये तो सेल्फिश वाली बात होगी, लेकिन बात सेल्फिश वाली नहीं है। रिलेशन भी आगे बढ़ना चाहिए, उसी तरह से तुम्हारी लाइफ भी आगे ग्रो करनी चाहिए। कहीं ना कहीं तुमने उन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बहुत सिंपल बात कि तुमने अपनी लाइफ को ग्रो करना छोड़ दिया और अपने पार्टनर को खुश करने में तुम लग गए। अभी देखो, इन चीज़ों का बैलेंस होता है कि तुम उनको कितना टाइम देते हो, उनके पीछे क्या क्या चीज़ें करते हो, एंड वही चीज़ें तुम अपनी लाइफ को ग्रो करने में, अपने करियर को बिल्ड करने में। शायद कहीं लोग ऐसे होते जिनके तो सपने नहीं होते, ठीक है, तो उस टाइम को, उस एनर्जी को वहाँ लगाते हैं, तुम लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए होते हैं। पर ये अफसोस करने वाली बात नहीं है, यहाँ से हमें जस्ट सीखना है, अफसोस करना बिल्कुल भी नहीं है। तो आफ्टर ऑल हुआ क्या, तुम 3 साल रिलेशन में रहे, 5 साल रिलेशन में रहे, तो उनके कारण कहीं ना कहीं तुम अपनी लाइफ में तो इतने ग्रो नहीं कर पाए जितने शायद कर पाते उनके बिना, उन्हें नहीं कर पाए। एंड उसके बाद उस पर्सन ने जो डिसीजन लिया वो क्यों लिया, रीज़न ही ये है कि यार इंसान ना हमेशा जीतने वाले लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ये बात याद रखना कि लोग प्यार करने वाले को नहीं, जीतने वाले को पसंद करते हैं। अगर तुम समाज में देखोगे ना तो यही चीज़ हो रहा है कि एक लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाता है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, लड़की के साथ भी ये होता है, लड़के के भी साथ भी ये होता है। तो फिर वो लड़का अपना करियर, स्टडी सब कुछ छोड़ के उस लड़के को टाइम देने लगता है, एंड वो टाइम उन दोनों का बहुत अच्छा होता है, लाइफ का वो बेस्ट टाइम होता है। उसके बाद जब बात आती है शादी करने के लिए, तो लड़की लॉजिकली सोचती है कि इसका तो अभी जॉब भी नहीं लगा, ठीक है, ये तो इतना कमाता भी नहीं है। तब वो लड़की साफ साफ बताती है, भाई शादी तो मुझे ऐसे लड़के से करनी जो थोड़ा सा स्मार्ट हो, थोड़ा सा पैसा वाला हो। तो तुम वहाँ पर उनको ये नहीं बोल सकते कि यार तेरे चक्करों में मैंने कभी ऐसी चीज़ों के बारे में तो सोचा ही नहीं। ज़्यादातर लड़कों के साथ ऐसा होता है। एंड फाइनली वो किसी ऐसे लड़के के साथ शादी कर लेती है जो तुम्हारी तरह उसने टाइम वेस्ट नहीं किया होता है, उन्होंने टाइम अपना बिल्ड किया होता है, इन्वेस्ट किया होता है किसी ऐसी जगह पर, एंड लाइफ को बिल्ड करके रेडी होते हैं किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करने के लिए। हालांकि उनके साथ भी एक तरह का वो धोखा ही हो रहा है, पर रियल में चीज़ें तुम्हें ये करनी चाहिए कि अपनी लाइफ को बिल्ड करनी चाहिए। एंड ये एक बहुत कॉमन रीज़न है। देखो, ये दुनिया में ना आप किसी के कारण कम रह गए या किसी के कारण आपने लाइफ में सेक्रीफाई किया, तो उसके दम पे वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, वो ये देखेंगे कि तुम क्या हो, ठीक है, क्योंकि इसी चीज़ का एक रुतबा हो कि तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या हो भाई, तो बात आगे करो। तो तुम्हें तो बहुत बुरा लगता होगा कि यार हमने तो टाइम वेस्ट कर दिया, ये तो हम तो बड़े मूर्ख निकले। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, दुनिया में अच्छे से अच्छे लोगों के साथ ये होता है, कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, क्योंकि ये बात ना इमोशन की है, एंड जब बात इमोशन की आती है तब इंसान लॉजिकली नहीं सोच सकते। हाँ, जो हुआ वो हुआ, ठीक है, इसमें इतना बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम्हें कोई मूर्ख बना गया, इडियट समझ कर छोड़ के चला गया। सीधी सी बात है, तुम्हें रीज़न पता चल गया ना, बहुत बड़ी बात है, आगे बहुत लंबी लाइफ है, एंड ये बात तुम्हें आगे जाकर ना बहुत काम आएगी। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप में धोखा मिलने का मतलब होता है आंखों का ऑपरेशन हो गया भाई, ठीक है, अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम है और ऑपरेशन करने के बाद जैसे कि चीज़ें आपको साफ साफ दिखती है, रिलेशनशिप में धोखा मिलने के बाद वो आंखों के ऑपरेशन जैसा ही होता है, आपको चीज़ें, लोग, सब कुछ एक साफ नज़र से दिखेगा कि भाई कौन सच बोल रहा है, क्या सच है, क्या झूठ है, उसके बाद आपको धोखा नहीं मिलेगा।
आपको पता चलता है कि यार लोग आपकी कैपेसिटी, आपकी वैल्यू, आपकी औकात देखकर आपके साथ रहते हैं, ना कि आपकी ऑनेस्टी, आपका प्यार, आपकी वफादारी देखकर आपके साथ रहता है। क्योंकि तुम आगे जो लाइफ जीने वाले हो ना, आगे भी वैसा ही होगा। तुम्हारी लाइफ में 10 नए लोग आएंगे, वो तुम्हारे फ्रेंड होंगे, गर्लफ्रेंड होंगे, कोई बिजनेस पार्टनर होगा या किसी भी तरह के लोग, तो 10 लोगों में से 3% ही ऐसे होंगे, सिर्फ 3% जो सही होंगे, जो रियल में वफादार होंगे। तो वो 7 लोग तैयार है वापिस से तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए। इसलिए तुम्हें समझ ना जाए कि उनके लिए वापस से तुम्हें अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करना है। तुम्हें अपने आप को ग्रो करने पे सबसे पहले ध्यान देना होगा, अदरवाइज वो 7 लोग भी मौका ही ढूंढ रहे हैं तुम्हारे में। अब हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि भाई अब आपको आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि भाई क्यों हमें धोखा मिला, लेकिन रहा नहीं जाता, बहुत पेनफुल सिचुएशन है, बहुत सारी चीज़ें। देखो यहाँ पर 3 तरह के लोग होते हैं। एक लोग ये कहेंगे कि भाई यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। दूसरे लोग ये कहेंगे कि भाई कुछ भी हो, वो मेरा प्यार है, वो नादान है, उसको वापस लाइफ में लाना चाहिए। एंड तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तो रिवेंज लेंगे, हम तो उनको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। तो आपके माइंड में भी ऐसी ही कुछ चीज़ें चलती होगी यार, कि किया तो उसने बुरा, लेकिन प्यार भी करता हूँ, लेकिन ऐसे साथ रहने में क्या मतलब है उनका। तो यहाँ पर भी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ कि आपको रियल में क्या करना चाहिए। देखो ये बात जस्ट ब्रेकअप की नहीं है, ये धोखे की है कि किसी ने आपको चीट किया है। तो आपके लिए मूव ऑन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर तुम उनको वापस तुम्हारी लाइफ में लाने का मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, एंड हो सकता है, पॉसिबल है कि वो तुम्हारी लाइफ में वापस भी आ जाए, पर इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक बार जो चीज़ें हुई, अगर टाइम वापस से वैसा है, ठीक है, तो वो इंसान वापस से तुम्हारे साथ वैसा करेगा। एंड तीसरी वाली चीज़ कि भाई उसको भी वो दिन दिखाने चाहिए, उसको भी बुरा लगना चाहिए, उसके साथ भी वो बुरा होना चाहिए बदला लेने की बात। तो भाई मैंने 3 तरह के लोग देखे जिन्होंने ये काम किया है, पर ये तो सबसे बुरी चीज़ आपके साथ हो जाएगी कि बदला लेने के बाद आप यही सोचोगे यार कि जिसको इतना मैंने प्यार किया उसके साथ मैंने इतना बुरा किया। यानी कि आप बहुत बुरा अभी जो फील कर रहे हो ना, उनसे 10 गुना ज़्यादा बुरा फील करोगे। तो वो काम तो करना ही नहीं है, उनके कर्मों के हाल पे तुम्हें उनको छोड़ देना चाहिए। मेन बात ये है कि तुम्हें जो एक्सपीरियंस मिला ना चीट होने का, ये कमाल का है। क्योंकि यहाँ से ना रियल में तुम्हारी आँखें खोल जाएगी, तुम्हें समझ में आएगी कि लोग रियल में किस चीज़ की वैल्यू करते हैं। तुम्हें पता तो होता है, लेकिन धोखा मिलने के बाद ना वो चीज़ फील होती है, ठीक है। कभी भी तुम साथ वो लोग जो तुम्हारी लाइफ में आएंगे ना, वहाँ पे तुम गलती नहीं करोगे अगर एक बार ऐसा एक्सपीरियंस मिला है तो। तो जस्ट इतना समझो इस रिलेशन से कि यार ये एक्सपीरियंस था, बस यहाँ से सीखना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रेकअप के बाद या चीट होने के बाद तुम्हारी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने में ये वीडियो आपकी हेल्प कर पाएगा। थैंक यू सो मच।